Hello everyone, welcome back to your EVS class. As we have done with the reading, now in today's class I'm going to explain lesson number 19, Good Manners and Habits. So, all the parents are requested to explain the same to your child. Here, let's learn first of all, what is the meaning of good manners and habits. Manners means our behavior and habits means routine of behavior. Manners means hota hai. जो हमारा तरीका है उसे हम मैनर्स बोलते हैं एंड हैबिट्स का मतलब हमारी आदतें. हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द रीडिंग. टीचर्स टीच अस गुड हैबिट्स एट स्कूल, आवर एल्डर्स टीच देम एट होम. जो हमारी टीचर्स होती हैं, जो हमारी अध्यापिका या अध्यापक होते हैं, वो हमें अच्छी आदतें सिखाते हैं स्कूल में. ओके, आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो आपको अच्छी आदतें सिखाते हैं, गुड हैबिट सिखाते हैं. एंड जो घर पे लोग होते हैं, आपके एल्डर्स, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपसे जो बड़े भाई बहन हैं, वो आपको अच्छी आदतें सिखाते हैं, गुड हैबिट्स घर पे सिखाते हैं. ओके, अ गुड चाइल्ड इज वन हु हैज गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स. अच्छे बच्चे वही कहलाते हैं जिनकी आदतें अच्छी होती हैं, जो लोगों से अच्छे से पेश आते हैं, मीन्स वेल बिहेव्ड होते हैं. नाउ लेट सी सम गुड मैनर्स एंड हैबिट्स. हियर सम गुड मैनर्स एंड हैबिट्स आर गिवन. लेट सी व्हाट आर दीज. यहाँ पर कुछ अच्छी आदतों के बारे में दिया हुआ है, चलिए देखते हैं कि वो क्या क्या होते हैं. वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड टीचर्स. वी शुड लिसन टू व्हाट दे से. रिस्पेक्ट मीन्स होता है आदर करना. एल्डर्स मीन्स होता है जो हमसे बड़े होते हैं एज में, उन्हें हम एल्डर्स बोलते हैं. हमें हमेशा अपने बड़ों की और अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करनी चाहिए, और साथ ही साथ वो क्या कहते हैं उन्हें सुनना चाहिए. जो भी बातें हमारे टीचर्स या एल्डर्स सिखाते हैं वो बेशक अच्छी बातें होती हैं, मीन्स विदाउट एनी डाउट वो अच्छी बातें ही हमें सिखाते हैं. सो वी शुड ऑलवेज listen to them what they are saying to us. So we should always wish our teachers when we meet them. हमें हमेशा हमारे teachers को wish करना चाहिए जब भी हम उन्हें मिलते हैं. Here you can see this girl is wishing her teacher. ये जो girl है वो अपनी teacher को क्या कर रही है, wish कर रही है. So आप जब भी अपने school जाते हो तो आप अपने टीचर्स को देखते हैं, देखते ही आप उन्हें क्या करते हैं, विश करते हैं. इट मीन्स कि यू आर अ गुड चाइल्ड, आप एक बहुत ही अच्छे गुड मैनर वाले बच्चे हैं. वी शुड से प्लीज व्हेन वी आस्क समबडी फॉर समथिंग. हमें हमेशा प्लीज बोलना चाहिए जब भी हमें किसी से कुछ चाहिए होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड है, आप अपने फ्रेंड से बॉल मांगना चाहते हो, उसके पास एक बॉल है. ओके, तो आप उनसे बॉल मांगना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, प्लीज मुझे ये बॉल दे दो. तो आपका फ्रेंड क्या करेगा, खुशी खुशी आपको वो बॉल दे देगा. जब भी आप प्लीज वर्ड यूज करते हो तो ये पोलाइट वर्ड हो जाता है, बहुत ही रिस्पेक्ट वाला वर्ड हो जाता है, जिससे सामने वाले को अच्छा फील होता है और वो आपका काम कर देता है खुशी खुशी. सो जब भी आपको किसी से कुछ भी करवाना हो तो आप प्लीज वर्ड जरूर यूज करेंगे. वी शुड से थैंक यू व्हेन समवन गिव्स अस समथिंग. हमें हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए जब भी कोई हमें कुछ देता है. एज यू कैन सी हियर, ये जो गर्ल है दूसरी गर्ल को गिफ्ट दे रही है तो वो क्या बोल रही है, थैंक यू. तो अगर आपको कोई गिफ्ट देता है या फिर कोई सामान देता है तो आप उन्हें क्या कहेंगे, थैंक यू. साथ ही साथ आप तब भी थैंक यू बोल सकते हो जब आप किसी को कुछ कहते हो करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रेंड को बोला कि वो आपको पेंसिल पास कर दे, आपने बोला प्लीज मुझे पेंसिल पास कर दो, प्लीज वर्ड भी यूज हो गया. साथ ही साथ जैसे ही वो पास कर देता है आपको पेंसिल तो आप क्या बोलते हो, थैंक यू. नाउ लेट्स लर्न. वी शुड से सॉरी व्हेन वी डू समथिंग रॉन्ग. जब भी हम कुछ गलत कर देते हैं तो हमें तुरंत क्या बोलना चाहिए, सॉरी. या फिर किसी से आप कुछ गलत वर्ड यूज कर देते हो तो आप क्या बोलते हो, सॉरी. तो हमेशा आप अगर किसी के साथ हो और कोई चीज गलत हो जाती है, कुछ गलत बोल देते हैं, तो हमेशा आपको वर्ड यूज करना है सॉरी. वी शुड से बेग योर पार्डन व्हेन वी डू नॉट हियर व्हाट समवन सेज. जब भी कोई कुछ कहता है और आपको नहीं समझ में आता है कि वो क्या कह रहा है या आपने सुना ही नहीं कि वो क्या कह रहा है, तो आपको क्या बोलना चाहिए, बेग योर पार्डन. बेग योर पार्डन मीन्स माफी चाहती हूँ या चाहता हूँ.
बिकॉज आपने वो चीज़ सुनी नहीं। सो जैसे ही आप ये लाइन यूज़ करते हैं बेग योर पार्डन, सामने वाले को समझ में आ जाता है कि आपने सुना नहीं, आप दोबारा उस चीज़ को पूछ रहे हैं, तो वो सामने वाला रिपीट कर देता है अपनी बात को। सो दिस वे आप दोबारा से पूछ सकते हो कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। वी शर्ट से एक्सक्यूज मी व्हेन वी स्नीज, जब भी हमें स्नीज होता है मीन्स छींक आती है तो हम क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी। हियर यू कैन सी दिस गर्ल इज सेइंग एक्सक्यूज मी बिकॉज शी इज स्नीजिंग राइट नाउ, उसे छींक आ रही है तो वो क्या बोल रही है, एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट, वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू बेड अर्ली एट नाइट, हमें हमेशा मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए और अपने बेड पे जल्दी जाना चाहिए रात में। इससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो सही से वर्क करती है, एक्टिव रहती है जब हम मॉर्निंग में टाइम से उठते हैं और रात में अपने बेड पे टाइम से जाते हैं। वी शुड बी पंक्चुअल, पंक्चुअल मीन्स होता है टाइम के पाबंद। सो अगर किसी ने आपको बोला कि आपको 11 o'clock पे आना है तो यू हैव टू रीच देयर एट 11 o'clock, आपको 11 o'clock तक पहुंच जाना चाहिए। या अगर आपसे कोई कहता है कि आपको ये वर्क करना है 10 o'clock तक, तो आपको 10 o'clock तक वो वर्क कंप्लीट कर लेना चाहिए। सो इस तरीके से हमारे अंदर पंक्चुअलिटी आती है किसी चीज़ को लेकर। आप स्कूल जाते हैं राइट, हियर वी शुड गो आवर स्कूल ऑन टाइम। सो हमारा जो स्कूल होता है वो एक रेगुलर टाइम पे ओपन होता है। अगर आपके स्कूल का टाइमिंग है 8 o'clock तो आपको 8 o'clock तक पहुंच जाना चाहिए अपने स्कूल। सो इस तरीके से आप क्या कहलाएंगे, पंक्चुअल स्टूडेंट कहलाएंगे। वी शुड ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप, जो बस स्टॉप होती है वहां पर हमेशा हमें क्यू में खड़े रहना चाहिए। क्यू मीन्स होता है लाइन, एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, लाइन में खड़े हैं, क्यू में खड़े हैं। वी शुड ऑलवेज कीप एवरीथिंग प्रॉपर प्लेस, हमें हमेशा हर एक चीज को प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। हमारा जो रूम होता है उसे हमें डेकोरेट करके रखना चाहिए, जो भी चीज़ जहाँ की होती है वहीं पर रखना चाहिए ताकि आपको वो ईजिली मिल जाए और दूसरों को भी ईजिली मिल जाए। हियर शी इज कीपिंग हर एवरीथिंग एट इट प्रॉपर प्लेस। वी शुड नेवर राइट और ड्रॉ ऑन दी वॉल्स, वी शुड कीप आवर स्कूल क्लीन, हमें कभी भी जो दीवार होती है स्कूल की उस पर राइट नहीं करना चाहिए। ये वॉल मीन्स होता है दीवार, और जब हम पेंसिल यूज़ करते हैं पेन या पेंसिल, उससे जो स्कूल की वॉल होती है उस पर राइट नहीं करना चाहिए या ड्रॉ नहीं करना चाहिए, ड्राइंग नहीं बनानी चाहिए हमारे स्कूल के दीवारों पे। स्कूल के ही दीवारों पे क्यों, आपको कोई भी दीवार पे ऐसे राइट या ड्रॉ नहीं करना चाहिए, चाहे वो घर की हो या फिर आपकी नेबर की हो या फिर स्कूल की हो। हमें हमेशा हर एक प्लेस को क्लीन रखना चाहिए जहाँ पे भी आप हों, चाहे आप स्कूल पे हों चाहे आप बाहर हों। वी शुड ऑल्सो कीप आवर होम क्लीन, सी मैंने जैसे बोला कि हमें हमेशा हर एक प्लेस को क्लीन रखना चाहिए, यहाँ पर दिया है कि हमें हमेशा अपने घर को क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप आवर सेल्फ क्लीन एंड टाइडी, जिस तरीके से आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं उसी तरीके से आपको अपने आप को भी क्लीन और टाइडी रखना चाहिए। वी मस्ट बी वेल मैनर्ड सो दैट एवरी वन लव्स अस, वी मस्ट हैव गुड हैबिट्स दे मेक एवरी वन हैप्पी। जब हम वेल मैनर्ड होते हैं मीन्स अच्छे तरीके से पेश आते हैं, बिहेव करते हैं अच्छे से, तो लोग हमें क्या करते हैं, पसंद करते हैं, हमें प्यार करते हैं। हमारी जो आदतें होती हैं, गुड हैबिट्स जो होती हैं, उसको लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं और खुश हो जाते हैं। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेसन, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द एक्सरसाइजेस, टिल देन थैंक यू सो मच, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, थैंक यू सो मच।